फिरोजाबाद के थाना नारखी पुलिस सहित क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी सफलता। ऑटो चोरी करने वाले ग्रोह के 3 सदस्यों को ऑटो सहित अवैध तमंचाओं के साथ दबोचा। आपको बता दें, काफी दिनों से एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देशन में संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वाहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के चलते थाना नारखी पुलिस को सूचना मिली कि कुछ ऑटो चालक को बंधक बनाकर लूट करने वाले ग्रोह के कुछ लोग किसी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे कि थाना नारखी की पुलिस ने क्राइम ब्रांच टीम के सहयोग से 3 आरोपियों को धर दबोचा। घटना का खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्रा ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यह प्रकरण थाना नारखी से संबंधित है। 27 जनवरी की देर रात्रि एक लूट हुई थी वहाँ, जिसमें कुछ बदमाश यहाँ ऑटो चालक को एक सवारी बनकर यहाँ से उन्होंने हायर किया जाटोपुरी से, और नारखी में चिनौरा पुल के पास कपावली के जंगलों में ले जाके उसको बंधक बना के छोड़ दिया और ऑटो लूट के भाग गए थे। इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है नारखी पुलिस ने, जिसमें प्रभारी निरीक्षक प्रदीप की भूमिका रही है और स्वाट प्रभारी तथा सर्विलांस सेल की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही है। इस खुलासे में यह प्रकाश में आया कि इसमें 5 अभियुक्त शामिल थे, जिसमें एक अभियुक्त पूर्व से जेल में है। 3 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। विशाल, सौरभ और हिमांशु को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही से 2 अवैध असलाह, 315 बोर, 4 कारतूस तथा जो लूटा गया ऑटो है वो बरामद हो गया है। इस तरह पर्याप्त सबूतों के साथ इनको माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, जो अभियुक्त का प्रोफाइल क्या है? ये शौकिया अपराध करने का इनका प्रोफाइल है और अपने खर्चे पूरा करने के लिए। और आपको बताता चलूं कि जो अभियुक्त जेल में है वो अभी कुछ ही दिन पहले हत्या के आरोप में जेल में गया था, वो भी इसमें शामिल था। और एक अन्य अभियुक्त की भी अभी हमें तलाश है, शीघ्र ही इसका संपूर्ण खुलासा भी होगा। सर, इसमें कोई अभियुक्त बता दें, यूपीएसआई की तैयारी कर रहा था, इस तरह का भी कुछ? इसमें एक अभियुक्त हिमांशु नामक अभियुक्त पढ़ाई लिखाई करता था और उसका ये एस्पिरेशन था कि भविष्य में पुलिस में जाएगा वो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।